अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खरीत से होंगे। आज की सुबह का करते हैं आगाज़। जो पाकिस्तानी मेरे भाई इस मुल्क से पैर मेहनत कर रहे हैं, सबको मेरा सलाम। आज ईद का दूसरा दिन है, सबको फिर से ईद मुबारक। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजा दिया करें ताकि रोज़ आपको न्यू वीडियो मिल सके। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज गांव में ईद का दूसरा दिन, दूसरा दिन है। चाचा जान जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो चाचा जान आए हुए हैं। ठीक से ब्याह कर दें। आरे पर पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगली बार क्या भरना शुरू की थी वाली, क्या है खैर है लालू खान? ईद मुबारक लालू। बैठे हैं यहाँ पर, कुछ सामान लेते हैं फिर जाएंगे घर। तारक भाई सुबह सुबह टमाटर प्याज वगैरह काट रहे हैं क्योंकि आज कुकिंग करेंगे, आज बिरयानी बनाएंगे। ये ईद के दो तीन दिन होते बहुत मज़े के हैं, लेकिन गर्मी बहुत है, कुछ मज़ा नहीं दे रहा। माशाल्लाह अभी मौसम सुबह अच्छा है, लेकिन 10 11 12 बजे बहुत गर्म हो जाता है। कुछ सामान लेना था, ले लिया, अब घर जा रहे हैं। कल लकड़ियाँ खूब बिकी। हाँ, किसी ने गोश्त पकाना था, अभी तक बाहर कोई नहीं निकला घर से। लगता है गोश्त ज़्यादा खाया हुआ था इसलिए सो रहे हैं। अभी घर पहुंच चुके हैं। कल बहुत गर्मी थी, आज देखते हैं क्या होता है। नाश्ता कर लिया है, अब ज़रा बस्ती जाते हैं और देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। और गर्मियों की वजह से लोग भी बहुत परेशान थे, कुछ खाने को दिल भी नहीं करता आजकल क्योंकि गर्मी बहुत है। इसलिए अब चलते हैं बस्ती की तरफ। इस तरफ बस्ती का खूबसूरत सीन होता है, इधर भी सब्ज़ा उधर भी सब्ज़ा, बीच में सड़क, खूबसूरत नज़ारा होता है। वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब। ये हमारे गांव का वजीर आजम है। अच्छा किधर गए? अच्छा यहाँ बैठते हैं और परदेसी वाला गाना लगा हुआ है, जिसने सुनना है तो सुन ले। और यहाँ बैठने में मज़ा आता है, थोड़ी थोड़ी सी हवा लगती है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, सब्ज़ार है। इसलिए यहाँ बैठ कर इंजॉय करते हैं। वज़ीर आज़म साहब चाय पी रहे हैं, ईद के दूसरे दिन वज़ीर आज़म चाय पी रहे हैं।
और बहुत सोचों में गुम है गांव को कैसे चलाएंगे। हमून जादूगर अब कलीम भाई की दुकान पर पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह करम है, एहसान है, अमन है, सकून है, सब दोस्तों से अपील है लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कल बहुत थक चुके थे काम कर करके, आज तो काम नहीं है और सुकून भी कर रहे हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें और घंटी भी बजा दिया करें ताकि रोज़ आपको न्यू वीडियो मिल सके और कमेंट्स वगैरह भी कर दिया करें ताकि हौसला अफजाई हो। और ईद का दूसरा दिन गांव में खामोशी है, वज़ीर आज़म साहब चाय पी रहे थे फिर वापस घर आए और अब यहाँ पर बैठे हैं और वक्त गुजार रहे हैं। और ईद से पहले बहुत से हादसात हुए थे, यूनान में कश्ती डूबी थी और पाकिस्तानी बिजनेसमैन ताजर थे जो वो अफसोस डूबी थी, और हमारे हमसाये का एक्सीडेंट हुआ था। जो भी इस दुनिया से चलाए गए हैं उन सब के अल्लाह ताला मफरत फरमाए, अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे। और ये दुनिया तो फानी है, सब ने जाना है, लेकिन सब्र बहुत अच्छा होता है, इंसान को सब्र करना चाहिए, अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह के आगे हम सब बेबस हैं। बस जो अल्लाह करता है वो अच्छे के लिए करता है। बस्ती पहुंच चुके हैं, जाते हैं चौधरी साहब के पास, नदर भाई के पास। सुनाओ ठीक हो, फिट हो, खैर खरीत है, अल्लाह का करम है, एहसान है, अमन है, सुकून है, फिट हूँ, सब बाहर बैठे हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मौसम अच्छा है। आज मौसम ज़रा अच्छा है इसलिए इंजॉय कर रहे हैं सब लोग। अब पहुँच चुके हैं नादर भाई की दुकान पर। अच्छा मुद्दा क्या है वो आदमी आपको ही पता खाने यहाँ बैठते हैं, ड्रामा देखते हैं, यहाँ आप करते हैं वीडियो का एंड। और मेरे साथ हमारा दोस्त जो मेरी दाढ़ी बनवाता है, ज़बरदस्त कटिंग करता है, साथ खड़े हैं, जिसने बनवानी है तो आ जाए, और यहाँ वीडियो का करते हैं एंड। आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखा करें, दूसरों का भी ख्याल रखा करें, तब तक इतना, अल्लाह हाफिज़।